स्कूलों में गायों को बंद करने की घटनाओं से प्रशासन भी परेशान है। हाथरस जिले के एडीएम और एसपी अब ऐसे मामलों में मुकदमे लिखने का इरादा कर चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक स्कूल में जानवरों को बंद करना उनके साथ क्रूरता है, साथ ही इससे बच्चों की पढ़ाई का भी भारी नुकसान हो रहा है। विद्यालय की हालत ही आवारा पशु कल बंद कर दिए गए थे यहाँ जबरन। हमने समझाया काफी कि ऐसा मत कीजिए, विद्यालय जो होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और जबरन उन्होंने बंद कर दिए। अब हालत आज बहुत खराब हो रही है। आज सुबह शायद किसी ने निकाल दिए, लेकिन अभी ये लोग सब ने दोबारा भर दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विद्यालय गंदा है, बच्चों को मत पढ़ाइए, तो फिर वैसा ही करेंगे, फॉलो करेंगे उन्हें। तो ये कह सकते हैं बच्चों के बजाय पशु ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं आज। जी, लोगों के द्वारा, वही स्थानीय जो किसान है उनके द्वारा भर दिए गए हैं। इसमें वीडियोग्राफी करा करके FIR की कार्रवाई की गई है और इसमें कड़ी कार्रवाई भी होगी। इसमें आवश्यकता पड़ने पर पशु क्रूरता अधिनियम और इन सबके अधिनियम के साथ NSA की कार्रवाई भी हम करेंगे यदि ये चीजें रुकी, क्योंकि जो विद्यालय है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए है और इन लोगों ने अब अपने हाथों में इस तरह की चीज़ें ली हैं। कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है और इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी इसमें क्रिएट हो सकती है और कहीं कहीं छुटपुट इस तरह की चीज़ें हुई हैं दो दिन से। तो इसमें बहुत सख्ती से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रात में काफ़ी सारे विद्यालय खोल दिए गए हैं। एक विद्यालय की सूचना है कि स्टिल अभी भी उसमें बंद है, तो उसमें SDM को मौके पर भेजा गया है। उधर किसानों का कहना है कि नावारा पशुओं ने उनके बाजरे की फसल चौपट कर दी थी और अब ये गेहूं की फसल बर्बाद कर रहे हैं। गाय है, बालक स्कूल ना भेज सकती, गाय रात दिन बालक रखाए रहे, रात के 11-11 बजे तक पढ़वैया बालक गैयन रखाए रहे के पढ़े अपनी पढ़ाई पढ़े, और बाजरा की फसल तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। वो तो चलो मुठी की फसल है, कोई बात ना है, और मेन फसल गेहूं किया जेहू किया बर्बाद करे दे रहे। तो किसी अधिकारी से शिकायत नहीं की आपने? अधिकारी तो खूब शिकायत कर रही है सर, कोई सुनवाई ना कर रहा था। रहने के जाके वजह थे लड़का सवेरे एक्सीडेंट कर दो बजराने एक ने, वही वजह थे यहाँ में रोंद कर रहे हैं, आक्रोश फैल गया इतना पूरे गांव में। SP का कहना है कि प्रशासन अस्थाई और अस्थाई चारागाह और गौशाला खोलने का इंतजाम कर रहा है, उस पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं और सभी ग्रामीणों को ये अखबार के माध्यम से और सबके माध्यम से बता दिया गया है कि DM साहब की तरफ से टेम्परेरी और परमानेंट चारागाह और इस तरह के जान पशुपालन केंद्र खोले जा रहे हैं जहां पर इनको रखा जाएगा और वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा। किसानों को इस तरह से विद्यालयों में नहीं ले जाना चाहिए, ये गलत बात है, उसमें पशुओं के साथ भी क्रूरता है, साथ साथ बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, इस पर कानूनी कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।